ठान लो इस बार की मुकाम हासिल करना है और रिजल्ट देना उनकी मजबूरी हो जाए, मेहनत ही इतना करना है। स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस ठीटा बैच में। पता है इस बैच का नाम ठीटा बैच क्यों रखा गया? क्योंकि इसी में तो पढ़ना है साइन ठीटा कॉस ठीटा, इसका बेटा उसका बेटा। इसमें पढ़ने से पहले आपको हम बता दें एक बात, सबसे ज़्यादा मैट्रिक में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास टेंथ में, यानी कि 32 से 34 नंबर, कभी कभी तो 40 नंबर भी 8 और 9 लेसन से पूछ देता है। ठीक है, तो इसको डीपली पढ़ना है। और एक बात याद रखना, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा अलग अलग प्रकार का। बाप रे, तुम तो रट के पागल हो जाओगे, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि एक फॉर्मूला आपको रटने नहीं देंगे, क्योंकि हर फॉर्मूले की कहानी होती है। जिस तरह हर इंसान की एक कहानी होती है, उसी तरह हर फॉर्मूले की एक कहानी होती है। वैसे आपको कहानी के रूप में एक एक फॉर्मूला और एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। आप देखिएगा 40 में इसमें पूरा फुल आपको 40 मिलेगा। जितना क्वेश्चन इस रहेगा आपको त्रिकोणमिति से पूरा फुल मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार तरीका से कहानी बनाए हैं, जिसमें कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला देखते ही सही मारेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो जाकर के प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए। बिना देर किए सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा वो बेसिक है क्या। ये एक हम फिगर बना रहे हैं, इसका नाम है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोला जाता है। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज है। और एक बात और आपको बता दे कि इस त्रिकोणमिति में सिर्फ यही एक एंगल आएगा, सिर्फ ये 90 डिग्री वाला ही एंगल आएगा। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है? जिसमें एक बेस होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है, यही एक आएगा। अब बताइए ये तो लंब है, ये आधार है और ये एक कर्ण है, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। क्या हमेशा ये लंब हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे बोले ये लंब है तो आप तो कह दीजिएगा लंब है, आधार है। लेकिन एक बात और आपसे, आपको ट्रिक में बताए थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये आपको ट्रिक के साथ बता सके कि लंब सिंह के साथ कर्ण देवी आएंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे कर्ण हो गया। अब बताइए यहाँ पे अगर साइन सी रहेगा तो लंब हो जाएगा, यानी कि ये वाला लंब है। ठीक है, यानी कि लंब हो गया आपका ए सी, और कर्ण क्या हो गया आपका? लंब हो गया आपका ए बी, और कर्ण क्या हो गया आपका? ए सी। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट। हम क्या बोले? साइन सी रहेगा, अगर साइन ए रहे तो क्या कीजिएगा? देखिएगा साइन थीटा के जगह चेंज हो रहा है, थीटा के जगह पर हम क्या लिखें? एक जगह सी लिखें और एक जगह ए लिखें, तो क्या दोनों के लिए ए बी और ए सी होगा, यानी लंब यही होगा और आधार यही होगा? ऐसा नहीं होता है। सही क्या होता है ध्यान से समझिएगा, अगर सी का बात करें तो इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, और अगर ए का बात करें तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी ये बी सी लंब होगा, यानी कि साइन ए बराबर होगा लंब, यानी बी सी। ए के लिए इसके सामने वाला लंब बी सी, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि कर्ण रहेगा। कर्ण क्या है? ए सी, यानी सबसे बड़े लाइन को हम लोग कर्ण कहते हैं। एक ट्रिक आपको और बता देते हैं। आप बताइए कि अगर आपको लंबे आदमी को देखना हो, कैसे आदमी को? लंबे आदमी को, तो आप उन्हें कैसे देखिएगा? सामने देखिएगा या फिर नीचे सर करके देखिएगा? जाहिर सी बात है कि किसी भी लंबे व्यक्ति को देखने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? बाप रे कितना लंबा है, या फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे बाप रे कितना लंबा है, अरे लंबा आदमी सामने है ना, तो सामने देखेंगे। तो कहीं भी कुछ भी बोले, अगर यहां से पूछे कि बताइए साइन सी क्या होगा, क्या होगा साइन सी, तो यहां से सामने देखिए, क्योंकि लंबा आदमी को देखने के लिए कहां देखा जाता है? सामने। कभी नीचे हम लोग देख के नहीं बता सकते कि बाप रे कितना लंबा है, तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां से इसके लिए क्या होगा? सामने देखेंगे। कहां देखेंगे? सामने देखेंगे। इसके लिए इसके सामने ये है, सी के सामने ये है, और ए के सामने ये है, तो ये सामने वाला लंब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम आपसे बात करें इस फिगर का, यहां पी क्यू आर, और लिख दे साइन पी, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए कि पी है, पी के लिए लंब कौन होगा? तो पी के सामने देखिए, यानी ये वाला लाइन सामने आ रहा है। ठीक है, तो वो लंब हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, तो कभी भी लंबा आदमी को देखना हो तो सामने देखेंगे। नीचे आधार होता है, तो सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, और इस त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में सबसे बड़ा लाइन को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो अब बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो यहां अब इस पर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, बहुत ही मजेदार है और सेम जैसे हम बताए आपको बेसिक वैसे ही है। लंब किसको बोलेंगे? सामने वाला, जिस एंगल का बात करेगा वहां से सामने देखना है। यहां क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, एक सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, एबीसी बनाएंगे, उसके बाद से जिसका बी क्या होगा? समकोण होगा। बी समकोण यानी बी राइट एंगल का मतलब होता है जहां बी होगा ना, ऐसे हमने एक फिगर बनाया, और जहां बी होगा वहां समकोण, समकोण यानी होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बताइए, तो यहां 90 डिग्री कौन बना रहा है? ये बना रहा है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? बी। अब नाम रख दीजिए ए बी, ए बी, और ये क्या हो गया आपका? सी। ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है यहां पे ए बी, ए बी कितना है? ए बी है 24। बी सी कितना है? तो बी सी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी साइन ए का मान निकालिए, साइन कॉस ए का मान निकालिए, साइन सी कॉस सी। देखिए, एक सबसे पहले बात आपको बता, जब भी ऐसे कंडीशन आए तो उस कंडीशन में बाबू एक ही आपको काम करना है, वो क्या करना है? ये दोनों दिया है तो ये निकालने का ट्रिक भी और कहानी भी बता चुके हैं। क्या था? ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यानी एसी आपको निकालना है, तीनों पता होना चाहिए। कभी भी इसका क्वेश्चन आए तो तीनों पता होना चाहिए। एसी आप निकालिए, एसी बराबर होता है रूट ए बी का स्क्वायर। देखिए, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं और इसको भी, प्लस बी सी स्क्वायर। यानी ये पाइथागोरस है फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं। पाइथागोरस ने कहा था कि इस बड़े लाइन के बराबर जिसको आना होगा ना, ये दोनों लाइन मिल के भी आएगा तो नहीं आ सकता है, दोनों लाइन को पहले डबल होना पड़ेगा, तब जाके ये मिल के आएगा, तब इसके बराबर आएगा। तो दोनों लाइन को डबल करके बराबर जोड़ दिए हैं। यहाँ ए बी है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में, 1 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के साथ आदमी, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 प्लस 7 सौते 49। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 हो जाएगा 15 के 5 हाथ में, 1 7 और 4 11, 1 12 के 2 हाथ में, 1 5 और 1 6, टोटल मिला के 625 हुआ। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो तीनों कुछ नहीं करना है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब ना मेन काम है, निकालना है एक नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन? एक नंबर बोला है साइन ए निकालिए, और जब ये निकल जाए उसके बाद से क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। अरे कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा पहला वाला लंब कर्ण के साथ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये वाला पहला क्वेश्चन, ये वाला उतारे हैं। अब बताइए, यहां ए लिखा है, ए के लिए लंब कौन होगा? तो ए के लिए सामने वाला लंब होगा, यानी कि 7 होगा, और कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, यही होगा, बटा में 25 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार कर्ण के साथ जाएगा, तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ए यहां लिखा है, इसके लिए आधार कौन होगा? तो बताइए, ए के लिए सामने वाला तो लंब होता है, लंबा आदमी कैसे देखेंगे? सामने देखेंगे। तो सामने वाला जब बाबू लंब होगा, तो ये वाला क्यों, देखिए ये जब सामने वाला, ये वाला लंब हो गया, इसको लंब मत समझिएगा, इसके एक यहां, एक से यहां खड़ा होकर देखिएगा नीचे, तो ये देखिए सामने ये दिखेगा, 7 दिखेगा, ये वाला लाइन दिखेगा। तो ए के लिए लंब भाई हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो आधार कौन हुआ? जो बस ये हुआ आधार हुआ, तो आधार आपका, आधार फॉर्मूला में है ना, तो 24 और बटा में कर्ण क्या हो गया? 25 हो गया। बस वैसे ही ये भी है, सेम टू सेम। क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन थीटा वही होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन एक चीज ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? सी के लिए लंब कौन? सी के लिए इसके सामने वाला लंब, तो ये वाला लंब हो जाएगा सी के सामने, यही ना है। यहां से देखिए, ऐसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से अब ऊपर चढ़ के नहीं देखेंगे, ठीक है, यहां से देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि आपका यहां पे हो जाएगा लंब हो जाएगा 24। और कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है, देखो ये सब चेंज होने वाला चीजें नहीं है ना जी, कर्ण। अब देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, थीटा के जगह पर यहां सी है। अब सी के लिए आधार कौन? तो सी के लिए सामने वाला लंब, तो जो बच गया लाइन का हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, कर्ण तो 25 रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, चेंज यही दोनों होता है, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार। सिचुएशन निर्भर करता है कहां से देख रहे हैं। अगर यहां से देखेंगे तो ये वाला लंब होगा, यहां से देखेंगे तो सामने, जो सामने दिखा लंब, क्योंकि लंब आदमी को सामने देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देर मत कीजिए और बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्या करना है, सबसे पहले फिगर देखते ही तीनों लाइन पता होना चाहिए। अब बताइए कि हम तो बताए थे आपको ये दोनों को जोड़ने पर 13 मिलना चाहिए यानी स्क्वायर करके, लेकिन इस बार बड़ा वाला दे दिया है छोटा वाला दे दिया है, ये निकालना है। कुछ देर के लिए कहा है कि अगर दो ठो छोटे छोटे चीजों को जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, 10 मिलता है, यानी बड़ा वाला लाइन मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया 10, ये दोनों को जुड़े हैं तो कितना मिला है 10, यानी 10 कहता है कि तू दोनों जुट करके आएगा तो मेरे बराबर होगा, जैसे ये दोनों को जुड़े हैं तो इसके बराबर आता है। अब बताइए कि अगर हमको एक नहीं पता हो, ठीक है, यानी कि जिस तरह इसमें ये वाला नीचे वाला नहीं पता, इसी को ना जोड़ना था तो ये वाला आ रहा था, ठीक है, लेकिन स्क्वायर करके जोड़ना था, वो हम आपको बाद में बता रहे हैं। अब बताइए कि बोले हम आपसे कि आप दो दोस्त हैं और आप दोनों आदमी का पैसा मिला करके जितना है अकेले उतना हम रखते हैं, यानी सबसे बड़े हैं तो हम रखते हैं, समझ में इतना आया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों दोस्त के पास दोनों मिला करके 10 होगा। अगर एक दोस्त के पास 8 रुपया होगा तो बताइए दूसरे दोस्त के पास कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, घटाइए, कहिएगा सर 2 रुपया है क्योंकि आपके पास टोटल मिला के 10 रुपया है, हम दोनों को मिला के बराबर है, मेरे पास 8 रुपया है तो 2 रुपया ना कम है, तो आप क्या करते हैं 10 में से इसको घटाते हैं। तो वही काम तो यहां भी करना है, बड़ा वाला में से इसको घटा दीजिए बस ये निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर करके घटाइएगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना है QR, सब कुछ रूट में रहेगा, ये ध्यान में रखना है, 13 के स्क्वायर में से हमको क्या घटा देना है, 12 का स्क्वायर घटा देना है। अगर आपको लिखना होगा तो लिखिएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144, जब ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका टोटल 5 और ये हो जाएगा 225, इसका वर्गमूल कितना 5, ये कितना निकल गया 5। अब तो आप आराम से बना सकते हैं, कैसे, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ डरने वाले हैं, 10p 10 थीटा बराबर बताए थे लास्ट में, जब कहानी में बताए थे कि जब लड़की, जब पता चल जाता है कि लड़की इनके साथ धोखा दी है तो दोनों दोस्त लड़की को साइड में करके और ये क्या हो जाते हैं, लंब और कर फिर साथ में हो जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर और बेस साथ में हो जाते हैं। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बट लंब बटा आधार साथ में हो जाते हैं माइनस, यही इसका उल्टा भी होता है, कर्ण ये हो जाएगा आपका आधार बटा में लंब, ठीक है। अब बताइए यहां पे, अब तो इसको देखेंगे ना, P लिखा है, P के लिए लंब कौन होगा, P के लिए सामने वाला लंब होगा यानी ये वाला होगा, कौन सा होगा, QR। तो जब ये वाला लंब होगा तो ये वाला आधार होगा क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा R यानी कि PQ हो जाएगा माइनस R। R के लिए आधार कौन होगा, R के लिए सामने वाला लंब होता है तो आधार ये हो जाएगा, कितना हो गया QR और कर्ण तो वही है, देख लीजिए यहाँ पे, चाहिएगा तो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो बताइए अगर सेम चीज में से सेम चीज घटाते हैं तो क्या बचता है, 0। तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, वैसे ये कटता नहीं है, ओरिजिनल रूप में घटता है, अब काट देते हैं, 100 का आपको चढ़ा है तो अभी काट सकते हैं। वैसे QR कितना है, तो Q से लेकर के R तक लिख सकते हैं 5 और बट्टा में ये हो जाएगा 13 माइनस 5/13, दोनों घटाइएगा तो खत्म हो गया, आंसर आया आपका 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ये कहने की जरूरत नहीं पड़े, और बिना देर किए धीरे से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत मजेदार है, बहुत ही आसान भी है, डरिएगा मत, मैथमेटिक्स से आपको 1% डरने की जरूरत नहीं, हम है ना आपके साथ। देखिए यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब समझ रहे हैं, साइन ए लिखा है 3/4, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण दे दिया है, और पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए निकालिए। वैसे यहां लिखा है साइन ए बराबर 3/4, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के जगह ए लिखा है लंब बटा कर्ण। आप बताइए लंब कितना है, ऊपर वाला लंब है नीचे वाला कर्ण है, ए पूछा है, क्या पूछा है ए, तो आप दो तरीके से बना सकते, अगर इसको ए मानिएगा इसको ए बी सी, तो सामने वाला क्या होगा, ए के लिए लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा। अगर आप इसको ए मानिएगा, ध्यान से समझिएगा आपको जो अच्छा लगे, ए बी
सी, तो आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सामने वाला लंब जो शुरू से जानते हैं कि ये लंब है तो यही होगा, आधार ये होगा, जब इसको आप ए मानेंगे तब, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको ए मान के देखते हैं, जब ए बात है और यहाँ पे क्या है, ए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, यानी साइन थीटा लंब बटा कण होता है। अब देखिए लंब कितना है, थ्री, ए के लिए लंब हो जाएगा ये थ्री, और कण, कण कितना है यहाँ पे, फोर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे लंब और कण दिया है, ठीक है, सोलह तीन तरीके नौ, ठीक। यहां पे जब लंब और कर्ण दे दिया है और निकाल, पहले तीसरा लाइन निकाल ले ए बी हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं ए बी निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला है ए सी या सी ए, में से क्या घटा दें, बी सी घटा दें, ठीक है, स्क्वायर में सब होना चाहिए। इधर स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर गया है तो इधर क्या हो गया है, अंडर रूट का रूप ले लिया है, ठीक है। ए सी कितना है, चार का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर, ठीक है, चार का स्क्वायर होता है सोलह, तीन का स्क्वायर नौ, सोलह में से नौ जाएगा तो बचेगा रूट में सात, ये कितना आ गया, रूट में सात आ गया, सात का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। अब क्या निकालना है, कॉस ए, अब आराम से निकाल लीजिए ना, कॉस ए, कॉस ए, वैसे कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, तो ए के लिए तो आधार यही, सामने वाला लंब तो आधार हो जाएगा रूट में सेवन और कर्ण हो जाएगा फोर, ठीक है। वैसे ही टेन ए पूछा है तो टेन ए, ठीक है, तो ए करना है तो इसमें घबराना क्या है, टेन थीटा होता है क्या, लंब बटा आधार होता है, तो क्या होता है, लंब कितना है तीन है और आधार कितना है, तो आधार है रूट सेवन, ठीक है, तो हो जाएगा ये। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार तरीका से आपको इसमें एक ही चीज बाबू समझ आए, वो समझना क्या है कि जब दो किसी तरह तीनों लाइन निकाल लेना है, और तीनों लाइन का मात्र एक ही को फॉर्मूला है कि ये दोनों दिया है तो घटाएंगे, और जब बड़ा बना, आप सोचिए ना कि किसी चीज को अगर बड़ा बनाना हो तो छोटा छोटा चीज जोड़ना पड़ेगा ना, और बड़ा चीज को छोटा बनाना हो तो क्या कीजिएगा, काटना पड़ेगा, तो काटने का मतलब घटाना पड़ेगा, ठीक है, और ये वाला निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए आप, ऐसे ही ए बी बराबर हम निकाल दिए हैं, और बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से समझिएगा। इधर फॉर्मूला लिख दिए हैं, ट्रिक भी बता दिए हैं, कहानी भी बता दिए हैं, तीनों दे दिए हैं, आप लोग जाकर के पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो भी त्रिकोणमिति का वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये आपका है, मेन यही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसको लिख लीजिए आप VVI, ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत लिखेगा भागे भरोसे आई, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इस टाइप का पूछा गया, अगर ये नहीं पूछेगा तो इस टाइप का सेम टू सेम पूछेगा, यहाँ कुछ और दे देगा, एक तरफ कोई नंबर और यहाँ कुछ नंबर, एक काम करते हैं ना, देखिए तो ये कॉट ए है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छिपा रहता है, तो नंबर को नंबर के पास भेजो, 15 है इधर भेजोगे तो बट्टा में हो जाएगा, हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 अब बटा में 15, आप बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, जैसे कि 10 बराबर होता है लंब बट्टा आधार, इसी को पलट दो, तीन नंबर वाला तीन नंबर का उल्टा होता है, तो क्या होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। अब तो आप समझ गए कि आधार कितना दिया है, 8 दिया था, और लंब कितना है, 15 है, तो सबसे पहले आपको बताए थे कि तीसरा लाइन निकाल लेना है, एक फिगर बनाते हैं ऐसे, इसी को ए मानोगे तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, ए यहां पे है, और ए के लिए आधार, ए के लिए बताइए सामने वाला लंब तो आधार वही रहेगा जो हम लोग जानते हैं, नीचे वाला आधार 8 और लंब क्या हो जाएगा 15, आप थोड़ा सा ये वाला तीसरा लाइन निकालिए ए सी, बड़ा वाला निकालना है तो दोनों छोटका को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर करके बाबू जोड़िए, ठीक है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 17 का, किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है, तो आपका ए सी बराबर कितना आ गया, 17 आ गया, यानी 17 आ गया। अब साइन ए निकालिए, क्या निकालना है, साइन ए क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, आप देख सकते हैं उधर लिखा भी है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो बताइए ए के लिए लंब कौन, सामने वाला, इसके सामने वाला हो जाएगा 15, अकर्ण हो जाएगा 17, वैसे ही निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए वो वाला कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होता है,
ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, यानी दूसरा नंबर ये जो है ये इसका इस ग्रुप का तीन को ये ग्रुप है तीन ये ग्रुप है इसके दूसरे नंबर का उल्टा। तो यहाँ कर्ण बटा आधार, जैसे आधार बटा कर्ण है वैसे ही कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है 17 और बटा आधार कितना है, आधार है 8, नीचे वाला 8 हो गया। ठीक है, तो एक आंसर आया आपका कितना 15/17 और एक आया 17/8। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी फाइंड करना है और सब त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक सेक दे दिया है। अब बोला है और सब निकालिए, तो सबसे पहले सेक दिया है तो त्रिभुज बना के तीनों लाइन पहले पता कर लें, तीनों लाइन क्या क्या कह रहा है। यहां ऐसे हम फिगर बना दें, ए हम इसी को मानते हैं, बी और सी क्यों मान रहे हैं, लंब यही रहेगा और आधार ये और ये कर्ण हो जाएगा, इसीलिए मान रहे हैं। आखिर इसको ए मानेंगे तो सामने वाला लंब होगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको भी परेशानी हो सकता है। अब यहां देखिए लिखा है क्वेश्चन सेक थीटा बराबर 13/15। वैसे सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा लंब, क्योंकि ये आधार का उल्टा है, दो गो ग्रुप है, तीन गो का ये ग्रुप और तीन गो का ये ग्रुप। देखिए साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक के लास्ट में सेक है तो याद रखिएगा कॉसेक, लास्ट वाला एक बार और बोलेगा सेक, फिर हो जाएगा कॉट, लास्ट में टी है, इसमें भी तीन नंबर का टी है, तो इसको उल्टा होता है। देखिए ये उल्टा होता है, यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार ये होता है। वैसे थीटा है यहाँ पे, एबीसीडी तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एबीसीडी रखने से क्या फायदा है, अरे रखो ना रखो, यहाँ थीटा रख दो। ठीक है, 13/12 कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। अब जब ये और ये दिया है और निकालो तीसरा लाइन, आपसे बताए थे कि जब छोटा लाइन निकालना हो तो बड़ा वाला में से इसको घटा दो, यानी कि आपको अगर बीसी निकालना है तो रूट में क्या 13 बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा। ठीक है, पहले 13 को जब दो बार लिखिएगा, पावर है ना, तो 13 में 13 से गुणा करने पर आएगा 169 और माइनस 12/12 144 यानी 144। जब ये माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 24, यानी 9 में से 4 जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2, इसका वर्गमूल होता है 5। कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियो में निकालना है, रेशियो यानी बट्टा है, रेशियो समझते हैं क्या होता है। देखिए किसी भी नंबर का ऐसे कटाते रहिए और कटाने के बाद जो बच जाए, जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 1/3 बचा, अब ये कटेगा नहीं कटा ना, इसी को अनुपात बोलते हैं, जो नहीं कटता है उसे अनुपात कहते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 1:3। ठीक है, तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा हिस्सा कटाने के बाद, उसके बाद कुछ कटे ही नहीं। वही बोला है कि त्रिकोणमिति में और कौन कौन सा नाम आता है वो सब निकालिए, तो एक तो सेक ऑलरेडी दे दिया है यानी ये वाला दे दिया, और भी तो नाम आता है अन्य बोला है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 को बाकी है क्योंकि सेक दे दिया है, सबका वैल्यू निकाल देना है। तो एक काम ना करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए पहले निकालते हैं साइन थीटा, फिर निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा, फिर निकालेंगे हम लोग टेन थीटा, फिर निकालेंगे इसका बेटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या कह रहा है, साइन थीटा होता है सब जानता है भाई, सब कोई जानता है, अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लंब बटा कर्ण ना लिख के लिखते हैं पी बाई एच, परपेंडिकुलर और हाइट, लंब और कर्ण। बताइए लंब क्या है, 5 है, तो 5/13। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है 12, कर्ण है 13, तो हो जाएगा ये कितना, डायरेक्ट लिखिए 12/13, ये हो गया आपका। उसके बाद से टेन थीटा थोड़ा सा नीचे लिखो, टेन थीटा लंब बट्टा आधार होता है, लंब और आधार ये और ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/12। याद रखिएगा ये तीनों बता चुके हैं, पहली बार में ये लड़का इस लड़की के साथ, दूसरी बार में ये लड़का इसी लड़की के साथ, बाद में पता चला ये दोनों दोस्त को फिर आके यहाँ मिला है ना, दोनों भेंट के, अरे भाई हम लोग तो फंस गए, लास्ट में इसको हटा दिया गया और फिर ये दोनों दोस्त साथ में हो गया है, लंब और आधार, यही ना तरीका आपको बताए थे। ये तीन को हो गया, और क्या बच गया, कॉसेक थीटा बचा, उसके बाद से सेक थीटा बचा, उसके बाद से टेन थीटा बचा। देखिए सेक थीटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है, क्वेश्चन में ही है, इसको ना लिखे बाकी सबको बोला है। वैसे कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, इस साइन का उल्टा होता है, पहला वाला का उल्टा ये वाला होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है तो कर्ण है 13, लंब कितना है 5 है, ये वाला तो आपको दे दिया है ऑलरेडी 13/12 सेक थीटा। यहाँ देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन नहीं ना कॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा,
ठीक है, तो कॉट थीटा यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा क्या होगा, आधार बट्टा लंब, तो आधार और लंब यहाँ लिख दो, आधार क्या दिया है 12 और लंब क्या दिया है 5, तो ये भी हो गया आपका आंसर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका पूरा आंसर हो गया यहाँ पे, यही निकालना। अन्य जब एक को दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो यही दिया था ठीक है, और बाकी जब दो ठो दिया है तो तीसरा लाइन एक ही ठो याद रखिए आप लोग, क्या याद करना है, जब भी दो ठो वैल्यू दिया रहेगा ऐसे हमेशा दिया रहेगा, ऐसे नहीं दे तो 12 इधर आ जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 12 sec θ = 13 ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो 12 को बट्टा में भेज दीजिएगा तो बात तो वही हुआ ना, ठीक है सेम हुआ कि नहीं, तो ऐसे दे देगा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बेवकूफ बनाना उसका काम है ठीक है, और हमको चलाक बन के निकल जाना हमारा भी काम है ठीक है, तो यही हम लोगों को करना है। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको भी ये VVI समझ लीजिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल समझते हैं नहीं समझते हैं, ध्यान से, न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। आप एक चीज तो हम आपको समझा चुके हैं बाबू, क्या समझा चुके हैं कि कभी भी इसमें एक ही तो त्रिभुज बनेगा और वो त्रिभुज होगा ऐसे 90 डिग्री वाला राइट एंगल जिसको बोलते हैं, या 90 डिग्री वाला यही हमेशा त्रिभुज बनेगा, यानी एक ऐसे सीधा रहेगा एकदम इस पर सीधा, जहां लंब आके मिलता है ना, जैसे ये हाथ है ऐसे सीधा एकदम गया, तो यहां जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री बनता है ठीक है। और यहां कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, तो बताइए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से यही ना दोनों कम है, तो एक का नाम ए और एक का नाम बी, तो ये क्या हो जाएगा सी, फिगर ऐसे ए और बी मानना है, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, तो यही दोनों 90 डिग्री से कम है। और कह रहा है इसके बाद से कि cos a बराबर cos b हो, तो यहां प्रूफ करना है कि एंगल a बराबर एंगल b। आपको एक चीज हम बता दें, देखिए जब यहां साबित करना है आपको दे दिया है क्या cos a बराबर cos b, और आपको साबित क्या करना है टू प्रूव, माने दिखाना का है एंगल ए बराबर एंगल बी, ये वाला और ये वाला दोनों का एंगल बराबर है, यही चीज दिखाना है, साबित हो जाएगा देखिए कैसे, एंगल ये लिखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, आप बताइए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण ठीक है, और ये भी होता है आधार बटा में कर्ण, यही ना होता है, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए सामने वाला लंब होता है, तो ये वाला आधार हो जाएगा यानी ए सी, और बट्टा कर्ण तो हो जाएगा आपका ए बी, वो तो चेंज नहीं होता है, बड़ा वाला कर्ण होता है। अब यहां देखिए बी के लिए आधार कौन होगा, बी के लिए सामने वाला, यहां से सामने वाला लंब होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बी सी, यहां पे हो जाएगा बी सी आपका आधार कर्ण हो जाएगा ए बी। यहां देखिए ए बी से ए बी खत्म, बचा ए सी बराबर बी सी, क्या क्या बचा ए सी, ये वाला लाइन यही वाला लाइन बराबर है। आ एक चीज आपको बता दे, जब किसी भी त्रिभुज में ट्रायंगल में अगर दो साइड्स यानी दो भुजा उसका बराबर हो तो उसका दोनों कोण भी बराबर होता है, तो देखिए तो इसका दोनों भुजा बराबर आ गया है, ए सी यहाँ बच गया और यहाँ बी सी, ए सी बराबर बी सी, तो जब ये दोनों लाइन बराबर तो ये दोनों भुजा भी, मतलब ये दोनों लाइन बराबर तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्यों, तो यहाँ लिख सकते हो कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज का दो कोण भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, ये आप लिखना है तो लिख सकते हैं ठीक है। अब समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको हम लिख दिए हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है भर दिए हैं, एबीसीडी भर दिए हैं, ए बी से ए बी खत्म, ए सी बराबर बी सी बच गया है, और जब दो गो लाइन बराबर होता है बाबू तो उसका दो एंगल भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, यही साबित करना है। अगर किसी त्रिभुज में मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, अगर ये तीनों लाइन बराबर है, ये जितना है उतना ही है और इतना है, तो अगर तीनों लाइन आपस में बराबर तो इसका तीनों कोण भी बराबर होगा। एक चीज ही आपको याद रखना है, किसी त्रिभुज में अगर एक मतलब कि दो लाइन बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होगा, अगर तीन लाइन बराबर हो तीनों का तीनों तो समझिएगा कि वो तीनों एंगल भी बराबर होगा। अगर यहां कोई लाइन बराबर नहीं आता है,
तो कोई एंगल बराबर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, तो अगर ये तीनों लाइन बराबर थे, ये तीनों कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ दो ही ठो बराबर आया था, तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार है। आपको त्रिकोणमिति में अगर जितना नंबर का पूछेगा आपको उतना आएगा। यहाँ अगर 40 नंबर का पूछता है 8 और 9 लेसन से, तो आपको आएगा बहुत ही ईजी वे में। यहाँ समझने की कोशिश किया, जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, ये लेसन कंप्लीट होगा, हम लोग को लेसन वाइज इसका मल्टीपल चॉइस का प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस इतना जबरदस्त करना है कि नंबर आएगा क्यों नहीं। यानी कि आपका अगर 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स है तो उसमें 95 के ऊपर आपका आएगा। इतना खतरनाक और जबरदस्त तरीका से रिवीजन कराया जाएगा। यहां देखिए, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आप पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें दो ठो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और ये के क्वेश्चन है। तो पहले ये हम लोग बना ले, ठीक है। यहां cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। कितना दिया है? cot cot थीटा बराबर 7/8 दिया। वैसे cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस त्रिभुज में आधार cot थीटा के बाद आधार बटा लंब, तो यानी आधार हो जाएगा मान लो 7 और लंब हो गई ये, और ये तो निकल गया ए बी सी। हमने ऐसे एक फिगर बना दिया। अब बताइए, आपसे बोल रहे थे कि क्वेश्चन बनाते समय तीनों लाइन पता होना चाहिए, तो ये दोनों पता है छोटा वाला, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये मिल जाएगा सिंपल। तो यानी कि हमको अगर AC निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट में ले जाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 8 × 64 और प्लस 7 × 49। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11। अंडर रूट 13 का वर्गमूल नहीं होता है, वैसे ही छोड़ दीजिएगा अंडर रूट 13। अब बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, आप ये भी पढ़े होंगे कभी फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। ये क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये दोनों एक जैसा दिखे और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये दो ठो है ना, ए का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये भी दो ठो है ना, तो बी का स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यही इसका फॉर्मूला होता है, समझे। यानी कि एगो प्लस में होगा माइनस में, तो दोनों दो ठो होता है, तो हमने तो लिख दिया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, पहला वाला का स्क्वायर और फिर दूसरा वाला का स्क्वायर, लेकिन किस में, माइनस में। ये भी तो वही है, यहाँ 1 दोनों सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो क्या करिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए कैसे, जब ये क्वेश्चन आपको है एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए तो ये दोनों सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो स्क्वायर कर दीजिए सिंपल, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर और बट्टा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर। ऐसे तो आप कर सकते, कॉस है, कॉस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 लिखने की जरूरत क्या है, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आप, अगर ये से भी आपको समझ में नहीं है तो डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू ले जाके भर दीजिए, ऐसे भी आ जाएगा, और नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप तो ये फॉर्मूला पढ़े ही नहीं अभी तक, ठीक है, और आपको हम बोले हैं कि आपको फॉर्मूला रटने नहीं देंगे, आपको याद नहीं करने देंगे। सही में ही सबका ट्रिक होता है, और सबका ट्रिक जब आप देखिएगा तो आपको 32 या 33 जितना भी इसमें फॉर्मूला त्रिकोणमिति में आएगा आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसान होता है। अगर ये कहीं भी ऐसे दिखे 1 माइनस साइन, तो इसका पड़ोसी होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा का होता है, तो कॉस साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए, हमने तो फॉर्मूला से ही उतना बना दिया, आपको फॉर्मूला तो याद है नहीं, अगर आप चाहते तो यहाँ से एक अलग काम कर, पहले ही हम बना देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार क्या है 7 और बट्टा में कर्ण क्या है 8, लेकिन देखिएगा दोनों का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिख दीजिए, 7 × 49 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 × 64,
यानी कि एक नंबर का आंसर इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा 49/64 कैसे आया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं करना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम टोटल फॉर्मूला का पहले निचोड़ लाएंगे, उसी के बाद उसके बाद से क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला आता कहाँ से, बनता कैसे है। तो बिना देर की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंबाई, स्क्वायर है तो यहाँ क्या डाल दीजिएगा, स्क्वायर डाल दीजिएगा। आधार कितना है, आधार है 7 और बट्टा कॉट कितना लंब कितना है 8 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का हो जाएगा 64, हो गया इसका भी आंसर वही, तो सेम टू सेम आंसर आएगा। तो ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि आपको ऑलरेडी सब फार्मूला पता है। आ इस कंडीशन में आपको बताएं कि क्या करना है, जब भी क्वेश्चन कभी लिखिए 3 cot A = 4, मतलब एक नंबर इधर और एक नंबर इधर, तो नंबर को पास में लाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में रहता है, इसके बीच में क्या छिपा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बात आपको बता दें, देखिए तीन तरह के लोग हैं, ठीक है। एक बोला A × B अगर होगा तभी A होगा, ए बी होगा। एक बोला कि A·B, यहां इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और तीसरा आदमी है तो इससे भी बड़ा कांड करके गया, वो आके बोला कि खाली ए बी रहेगा ना, तब इसके बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। एगो दिखा के गया, एगो यहां समझा के गया कि डॉट भी डालोगे तो मल्टीप्लाई चलेगा, एक बोला कि कुछ नहीं डालोगे ना तब मल्टीप्लाई होगा। तो तीनों ने अपना कांड कर दिया। तो यहां सबसे ज्यादा लास्ट वाला यूज होता है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। इधर रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। आप बताइए कि कॉट ए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको, तो हम बताए हैं क्या करना है, एक उसी समय त्रिभुज बनाइए कॉट थीटा, यहाँ पे हम ए मानते हैं ABC, ताकि ये वाला लंब रहेगा इसके लिए और ये वाला आधार, अकोण तो कभी बदलता ही नहीं है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा B/P, इसको बोलते हैं, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ आधार कितना है, तो आधार है 4 और लंब कितना है, तो लंब है 3। जब ये 3 और ये 4 ऐसे हो तो कर्ण निकाल लीजिएगा, यानी कि AC निकाल लीजिएगा, A से लेकर C बड़ा वाला, दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, कैसे, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 + 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 9 कितना हो जाता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 का वर्गमूल 5। ये आपको समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमको पता हो गया तीनों, ये इसलिए दिया है ताकि तीनों लाइन पता हो जाए, वो पता हो जाए। मेन क्वेश्चन इसको कह रहा है कि बताइए कि इस टोला का एगो है, एगो इस टोला मोहल्ला का है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप चाहें तो फार्मूला से बता सकते हैं, लेकिन दुख की बात ये है तो आपको तो हम फार्मूला भी बताया ही नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए और हम लोग नॉर्मली तरीका से तो बना ही सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको तो यूं मतलब याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ है 1 − 10² A / 1 + 10² A = cos² A − sin² A। लिखते हैं यहाँ पे 1 − 10θ क्या होता है, तो आपको पता हो जाए 10θ बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 3/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बटा 1 + ये भी हो जाएगा वही 3/4 का स्क्वायर = cos θ का होता है, cos θ होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5, इसका हो गया स्क्वायर और माइनस sin θ होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 5/3/5, ठीक है। पूछ रहा है ये दोनों बराबर है, एक बार ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 − 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 = 1 + 3 = 9 और 4 × 4 = 16, ये वाला हो गया, इतना हो गया। ये 3 × 9 और 4 × 16 लिखे हैं, 4 × 4 ये 16/50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस 3 × 9 और ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ग्रुप का है, ये नहीं कि ऊपर नीचे वाला ग्रुप में मिला दे। अब इसका हम लोग एक मान के बट्टा का जोड़ करते हैं, क्या करते हैं बट्टा का जोड़, ये दोनों का जब LCM लेंगे तो आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 − 9 और बट्टा, ये जब LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और हो जाएगा 16 + 9, ठीक है। यहाँ इसको अब मिटा दे, जरूरत नहीं है। A = ये दोनों का LCM कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा, ये हो जाएगा 16 − 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए
16 में से जब 9 घटाओगे तो कितना हो सकता है, तो 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 7 होगा, कितना होगा 7/16, 16 9 कितना होगा 25/16 इज इक्वल टू 16 में से 9 हो जाएगा 7/25। अभी दोनों बराबर नहीं आए हैं, हमको क्या लाना है, बराबर लाना है। लाएंगे कैसे बराबर, बहुत ही आसान है। एक बात बताइए, जब भी ऐसे 4/4 दिखे आपको तो एक तरीका अपनाइएगा, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, नहीं समझे, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों चला जाएगा ऊपर और दोनों बीच वाला कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका, आ नहीं तो 16 से 16 काट दीजिए, ये भी तरीका है। 16 से 16 खत्म, यहां 7 और यहां 25 बचा, तो लिख दो 7 और 25 बच गया, 7/25 = 7/25। ये बराबर था तो आपने काट दिया, अगर नहीं होता तो ऊपर नीचे करना पड़ता। 7 और 16 को एक साथ लिखते और ये दोनों को एक साथ, यहाँ एक बार करके भी ऐसे ये प्रूफ हो गया बाबू, ठीक है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन देखिए ऊपर नीचे ऊपर तो 7 × 16 और दोनों बीच वाला नीचे तो क्या हो जाएगा 16 × 25। ये 16 से 16 खत्म तो 7/25 बचा, और वैसे भी 7/25 बचा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिखिएगा 7/25 = 7/25। ये दिखा दिया हमने कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अभी ना देर की हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। यहाँ क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, यानी ट्राइंगल एक है ए बी सी जिसमें बी एक राइट एंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले 90 डिग्री राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, यानी समकोण कितने को कहते हैं 90 डिग्री को कहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कह रहा है यहाँ पे एक चीज, बी समकोण होना चाहिए, यानी जहाँ 90 डिग्री बनेगा ना वो क्या होना चाहिए, समकोण, उसका नाम होना चाहिए बी। तो ये हो जाएगा ए, ही हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन ये आपका यहाँ कुछ दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर 1/√3। क्वेश्चन क्या दिया, टेन ए बराबर 1/√3, यही ना दिया है। वैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, तो लंब कितना दिया है 1 दिया है, आधार कितना दिया है √3 दिया है। आप थोड़ा सोच के बताइए ए के लिए लंब क्या होगा, तो ए के लिए लंब सामने वाला होगा, ए के यहां से यहां ऊपर चढ़ करके देखिएगा, नीचे देखिएगा, सामने देखना है, तो ए के सामने वाला लाइन हो जाएगा लंब, तो ये वाला लंब हो जाएगा, लंब कितना है 1 और आधार कितना हो जाएगा √3। और जब ये दोनों दिया हो तो कर्ण तो निकल ही जाएगा, कैसे, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मिला जुला के कितना हो जाएगा 3 और वो कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी कि AC कितना आ गया 2 आ गया। जब AC 2 आ गया तो कह रहा है इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए कि क्या होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं मान कैसे निकलेगा, साइन ए है क्या है और कॉस सी है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पहले लिख देते हैं लंब बट्टा में कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, ये डायरेक्ट तुम बनाओ, कैसे करोगे, साइन थीटा होता है ना लंब बट्टा कर्ण, और ए के लिए लंब कौन होगा, तो ए के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए कॉस सी, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, होता है ना आधार बट्टा कर्ण होता है, तो सी के लिए होगा आधार ये वाला, क्योंकि सी के लिए सामने वाला लंब है तो आधार तो होगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं था तो गुणा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। कॉस ए, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, लेकिन ए लिखा है तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए पास में, देखिए जिसका बात करें उसके पास वाला आधार होता है, ये बड़ा वाला लाइन को छोड़ करके, तो यहाँ ए है इसके पास वाला ये आधार होगा, सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार, आधार आपका हो जाएगा √3 और बट्टा में कर्ण कितना है 2 है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। साइन सी, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो सी के लिए सामने वाला लंब √3 और बटा में कर्ण क्या है 2, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बार हो जाएगा √3 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का होता है खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचा 3 और बट्टा में 2 दूना 4, एलसीएम लीजिएगा तो होगा ये 4 और ये 1 प्लस 3,
ये हो जाएगा 4/4 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये इसका आंसर 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो उसको प्लीज बनाइए और कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। अगर आपको उसमें डाउट है तो वो वीडियो मतलब उस क्वेश्चन पर हम आपको क्वेश्चन फिर से बता देंगे। बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आप अपने प्रीवियस ईयर के यानी क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। है मजेदार क्वेश्चन, है भी बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ये देता है और नहीं तो इसी एक्सरसाइज में जो इसका उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन देता है, दोनों में एक ना एक हमेशा पूछते रहता है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दिया गया है, और उस त्रिभुज को जब बनाया गया है तो वो क्या है, क्यू एक समकोण है, जहां क्यू नाम रखा गया ना, जो नाम रखा गया वहीं पे 90 डिग्री बन रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले फिगर तो एक ही होगा, यही 90 डिग्री वाला, एक लंबा एक ऐसे और एक तिरछा, यहाँ 90 डिग्री होता है और जो 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं यानी कि क्यू बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण 90 को। अब यहाँ पे जब क्यू यहाँ पे है तो पी क्यू और आर बन गया ना सेट, जब बन गया सेट तो बोल रहा है क्या, देखिएगा पी आर यानी पी से लेके आर तक ये जितना बड़ा है वो, उसके बाद से क्यू आर यानी क्यू से आर तक, ये दोनों लाइन पता है कितना है, दोनों मिला के है 25 सेंटीमीटर। ये तो मामला फंस गया भाई, एक ठो दिया रहता तो ये निकाल लेते, ये दोनों दिया रहता तो, मतलब कोई दो ठो दिया रहे तो तीसरा निकाला जाता है, यहाँ तो मामला कुछ और है, ये दोनों लाइन का कितना है कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना भी है दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है 25, और एक ही तो लाइन दिया है पी क्यू, ये वाला लाइन बेचारा बहुत अच्छा किया है दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये लाइन दोनों में से कोई नहीं दिया है, साथे में दिया है, दोनों को जोड़ करके कितना दिया है यहाँ पे पी आर, यानी दिया है आपका पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 25 आता है। अब ये पता ही नहीं कि ये कितना है और ये कितना है, वही तो निकालना है। एक काम करते हैं हम, जबरदस्ती पी आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं पी आर, तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, निकल गया पी आर, कितना निकल गया पी आर, पी आर निकल गया, देखिए पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर, इतना ही निकला है। ये पता है जैसे ही हमको क्यू आर पता चलेगा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब एक काम करते हैं, जब हमको ये पता हो गया निकालना ही है तो एक फॉर्मूला आपको पता है, अगर बड़ा वाला निकालना हो लाइन तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं स्क्वायर करके, तो वैसे करो ना पी आर का स्क्वायर बराबर, ठीक है, वैसे पी आर बराबर होगा अंडर रूट यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कैसे किए, यानी इतना बड़ा वाला लाइन बराबर होता है ये दोनों को जोड़ने पर, ये रूट है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाता है स्क्वायर में रहता है, वैसे रियल में ये स्क्वायर में ही रहता है, क्योंकि ये कहानी बताए थे हम आपको कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कहता है कि तुम दोनों अपने ताकत का स्क्वायर करो और फिर दोनों जुट करके आओगे तब जाके हमारे बराबर आओगे, तो ये बेचारा दोनों अपने ताकत का दोनों लाइन स्क्वायर किया है यहाँ पे, ठीक है, और फिर दोनों जुट के आया है तब अकेले किसके बराबर हो रहा है, यहाँ बराबर हो रहा है पी आर के बराबर हो रहा है, बताइए पी आर बराबर कितना दिया है, यहाँ देख सकते हैं पी आर बराबर दिया है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर है तो पी आर का वैल्यू भर दिया स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है तो पी से लेकर के क्यू तक 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये क्यू आर तो दिया ही नहीं है, छोड़ दो उसमें टेंशन क्या लेना है, छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला पे सेट है, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर, याद करने का तरीका समझिएगा, पहला वाला का स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरा वाला का स्क्वायर कर दिया, लास्ट में 2ab डाल दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है, तो पहला वाला का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइन प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2, ए कितना है 25 और बी कितना है क्यू आर, इसी को ना ये a मानेंगे, ये b था तो a माइनस बी के द होल स्क्वायर उस पर सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, बेचारा नंबर उम्बर कुछ तो है नहीं, 25 का दो बार लिखोगे तो 25 को दो बार गुणा करोगे तो 25 दूना 50 मत कर देना, 25 को दो बार लिखने का मतलब 25 × 25 या 25 ऐसे होता है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर
और माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक जात को एक जगह लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 625, ये प्लस में है, नंबर को नंबर के पास भेजिए तो माइनस में हो गया, और ए बी सी डी वाले पार्ट को एक पट्टी रख दो, यानी एक टोला में रख दो, एक मोहल्ला में रख दो, और नंबर को एक मोहल्ला में रख दो। तो यहाँ बेचारा अकेले क्या बचेंगे, क्यू आर, लेकिन अकेले नहीं है, इनका भी इधर आएगा सब, जितना भी जोड़ीदार है, तो ये सब ए बी सी डी वाला उधर चला जाएगा, यानी पी क्यू जो भी है, ठीक है। ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, ये देखिए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 50 क्यू आर, ये प्लस माइनस एक जैसा है, खत्म हो गया। ये घटेगा तो हो जाएगा कितना, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर इधर बचा। कटाइए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और पाँच से कटाइए, पाँच एकम पाँच, पाँच दूना 10, क्यू आर बराबर कितना हो गया, 12 आ गया। समझ में आया, क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12। जब क्यू आर बराबर 12 आ गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब यहाँ क्यू आर का वैल्यू, तो पी आर निकाल सकते हैं, पी आर यहाँ लिख सकते हैं, क्यू आर का मान समीकरण एक में रखने पर, यही ना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर 25, क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा, ये 25 में से 12 गया 13, बस निकल गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार है, हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये फार्मूला लगाए हैं और भर दिए हैं। और आपको फिगर तो पता था ही, फिगर कैसे था, ऐसे था, ये था पी आर, ये था 25 माइनस क्यू आर निकाले थे पी क्यू आर, ये था 5। अब बताइए ना, दोनों को मिला करके 25 था, तो ये वाला अगर 12 आया तो ये वाला 13, तभी तो 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, नहीं तो घटा सकते हो। अब बताइए यहाँ पे, ये वाला आ गया आपका कितना 13, और ये वाला आ गया आपका 12। अब निकालना है वैल्यू, जब ये निकल जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद से इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद से पी आर आपका निकल गया, सब कुछ निकल गया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, किस हिसाब से पुट करना है यही देखना है। देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब ये तीनों लाइनें निकल गई तो क्या करें, करना क्या है कि निकालना है साइन पी, फिर निकालना है कॉस पी, फिर निकालना है टेन पी। अरे घबराना नहीं है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि पी बाई एच हो जाएगा। लंब, P के लिए लंब कौन होगा, P के लिए सामने वाला लंब होगा 12, और कर्ण हो जाएगा 13। यहाँ देखिए cos P आता है क्या, आधार बट्टा में कर्ण होता है, ठीक है। तो P के लिए आधार कौन होगा, तो P के लिए आधार उसके साइड वाला ही होता है, पास वाला, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका नाम ही चेंज नहीं होता है, ये कर्ण देवी हैं तो रहेंगे ही, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 5, और कर्ण कितना दिया है 13। लास्ट वाला देखिए 10P, 10 थीटा बराबर होता है लंब, क्या होता है लंब और बट्टा में आधार, लेकिन P के लिए लंब कौन, तो P ए है, P के लिए सामने वाला लंब 12, और आधार हो जाएगा 5, तो 12/5। तो यही आपका तीनों आंसर हो जाए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो मैथमेटिक्स जानते नहीं है, जो मैथमेटिक्स से नफरत करते हैं, ठीक है। आई गारंटी कि मैथमेटिक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जानते हैं कि एक क्वेश्चन अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस है, और उसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देर नहीं करें, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।